शाहीन बाग में जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इनकी मानसिकता को समझ लीजिए। इन लोगों से पूछिए धरना प्रदर्शन किस काम का। रुको जरा, सबर करो। उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने एक दिन उपद्रव करने का प्रयास किया। मैंने कहा इनका वीडियो फुटेज बनाओ और इनसे जितनी संपत्ति डैमेज करते इनसे वसूली भी कर लो, और पूरी वसूली हो रही है। जो पैसा देने में आनाकानी कर रहा है तो उसकी संपत्ति को सीज भी किया जा रहा है। हमने कहा केजरीवाल की तरह बिरयानी नहीं खिलवाएंगे। यहां पे तो जो वैध अवैध तरीके से कमाया गया है भारत का पैसा, इस पैसे को पाई पाई वसूली करेंगे। और भाइयों बहनों, ये वसूली कर रहे हैं, बहुत ठाट से वसूली कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता सुखी है, समृद्ध है, और कह रही कि भाई ये धरना प्रदर्शन करने वालों को भगाओ यहां से। क्या कर रहे थे जो इंटरनेट, आप चिल्लाइए मत, किसी तरह से बात कर रहा हूं, अच्छी तरह से बात कर रहा हूं। आवाज कम, आप इनको चुप करिए, आवाज कम मेरे भाई साहब, मैं आवाज कम बात कर सकता, आपका छोटा, आवाज कम, आप मेरी बात सुनो, आवाज कम। वायरस जो है किसी की जात, छोटा भाई नहीं हूँ ना मैं, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आवाज कम, आवाज कम, दूसरों की बात सुनिए। देश भर में हाहाकार फैला के रखे आप लोगों ने। बोलने दे, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल, दिखाइए आप अपना कैरेक्टर, दिमाग खराब हो गया। अरे भाई सुनिए आप। हेलो, हाँ हाँ सर, बात करनी है। बिल्कुल, आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं सुरेश चौहान के, बोलिए। हाँ, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। हाँ वाह, बोलिए। अस्सलामुअलैकुम, बोलिए। अस्सलामुअलैकुम, इसका जवाब क्या देना है? दुर्भाग्य से मुझे पता नहीं, लेकिन वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वालेकुम सलाम कहिए, राम राम कहिए। जी वालेकुम सलाम कहिए। बिल्कुल, वालेकुम सलाम कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। मैं 33 करोड़ भगवानों को मानता हूँ, दो चार भगवान और मेरे लिए उतने ही पूज्य है जितने 33 करोड़ है। आपको भी राम राम कहना चाहिए मेरे जवाब में। अस्सलामुअलैकुम का मतलब है कि आप पे रहमत नाजिल हो। बिल्कुल, मैं आपका आभारी हूँ, आप मेरे पे भगवान को रहमत करने के लिए कह रहे हैं, मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन मैंने राम राम कहा है तो आप भी राम राम कहिए। नहीं, मैं कैसे राम राम कहूंगा। तो चलिए फिर भी राम आपका भला करे मैं कहना चाहता हूँ। आप कितना लालटेन देना चाहेंगे? और फिर भी भाई साहब, आपने कहा कि मैं कैसे राम राम कहूँ, आपने तो राम राम बोल दिया। अरे भाई, फोन काटने की जरूरत नहीं।